सीएए के विरोध में महिलाओं के प्रदर्शन का मामला। चमनगंज में महिलाएं धरना स्थल से उठ गई हैं। आपको बता दें बड़ी खबर है, जहां चमनगंज पे जो महिलाएं धरना प्रदर्शन दे रही थी, जहां पुलिस ने जबरन यहां पे प्रदर्शन को खत्म कराने की कोशिश की थी, उसके बाद जो महिलाएं थी लगातार प्रदर्शन दे रही थी, उसके बाद धरने स्थल से जो महिलाएं चमनगंज से उठ गई हैं, सड़क से धरना हटाया और रास्ता भी खोला गया है। प्रदर्शन कर रही महिलाएं मोहम्मद अली पार्क के अंदर चली गई हैं। अब आपको बता दें पिछले दो दिनों से सड़क पर ही कर रही थी प्रदर्शन, अपनी मांगों और पुलिस की कार्रवाई के विरोध में ये पूरा प्रदर्शन जारी था। तो आपको बता दें कानपुर से बड़ी खबर है, जहां सीएए के विरोध में प्रदर्शन चल रहा था, उस प्रदर्शन को पुलिस ने जबरन वहां से हटाया था। पुलिस का कहना था कि ये देश के खिलाफ यहां पे दंगे भड़काने की ऐसी खबर भी चल रही है। तो हमारे सहयोगी नीरज अवस्थी हमारे साथ इस पूरी खबर पर विस्तृत जानकारी के साथ जुड़े हैं। तो नीरज, जिस तरीके से महिलाओं ने अपना प्रदर्शन यहां से खत्म कर वो मोहम्मद अली पार्क में चले गई, तो महिलाओं ने क्या कहा है कि उन्होंने यहां से अपना धरना प्रदर्शन क्यों खत्म किया है? देखिए, अभी जो प्रेशर बन रहा था प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, और तमाम जो लोग हैं जो संविधान श्रेणी में आते हैं, उनको लगाया गया था कि इन महिलाओं को समझाया जाए ताकि वाद विवाद की स्थिति और न बढ़े और हिंसा का रूप न ले इसके चलते। और कुछ जानकारी ऐसी आ रही है, अभी अपुष्ट है, कि कुछ अज्ञात लोगों पर जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, उन पर कल के मामले को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ है। हालांकि अभी कोई अधिकारी इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसी सूचनाएं आ रही हैं। तो संभवतः माना जा रहा है कि इन्हीं दबाव, प्रेशर और तमाम चीजों के चलते हुए महिलाएं बैकफुट पे आई हैं, लेकिन उनका प्रदर्शन पार्क में अभी भी जारी रहेगा। जी जी नीरज, तो महिलाओं को जिस तरीके से यहां से पहले भी हटाया गया था, उसको लेकर महिला लगातार विरोध कर रही थी और महिलाओं का विरोध अभी भी जारी है, तो महिलाओं ने अपनी जगह को बदला क्यों है? देखिए, आपको बता दूं कि पहले जो स्थितियां थी, पहले लगातार 30 दिन के करीब महिलाएं पार्क में धरना प्रदर्शन कर रही थी, प्रोटेस्ट कर रही थी। उसके बाद पुलिस रात के वक्त जाती है, उन्हें जबरन वहां से हटाती है। उसके बाद नाराजगी और बढ़ती है और सुबह तमाम जो लोग हैं, तमाम महिलाएं हैं, तमाम जो इलाके के लोग हैं, वो लोग सड़कों पर आ जाते हैं और सड़क पे ही धरना प्रदर्शन चालू कर देते हैं। पुलिस काफी देर प्रयास में लगती है, जब उसको स्थितियां बिगड़ती हुई नजर आती है तो पुलिस उनको पार्क में पुनः अनुमति देती है, लेकिन महिलाएं फिर वहीं डकी रहती हैं, जिसके बाद काफी बड़ी संख्या में महिलाएं वहां लगी रहती हैं और जो पुरुष हैं वो भी मौजूद रहते हैं। रात की स्थिति भी यही रहती है और दिन की स्थिति भी। उसके बाद अब कल जब पुलिस प्रशासन तमाम लोग समझाने में जुटे थे और जब अभी जानकारी जो आ रही है कि इनके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है, उसको लेके उसके बाद ये महिलाएं बैकफुट पर आई हैं। हालांकि पार्क में अभी इनका प्रदर्शन जारी है। जी नीरज, जिस तरीके से आपने कहा कि इन लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है, तो इस FIR को लेकर अधिकारियों का क्या कुछ कहना है कि उन्होंने उस FIR में क्या दर्ज कर रखा है और किन लोगों के खिलाफ FIR, क्या अज्ञात लोगों के खिलाफ है? जी, अभी जो जानकारी मिल पा रही है ये अपुष्ट है, कोई अधिकारी इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है उस हिसाब से जो महिलाएं बड़ी संख्या में सड़क पर उतरी थी, तो अज्ञात लोगों के खिलाफ जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन ये चीजें चर्चा में है, ऐसी जानकारी मिल रही है, इसको लेके ऐसी चीजें सामने आ रही हैं। अभिषेक जी नीरज, तो फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए।